रघुनाथपुर में रामू अपनी बेटी रिया और बेटा राजू और अपनी पत्नी अनामिका के साथ रहता था। रामू एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसकी बेटी रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर उसका बेटा राजू एक नंबर का आवारा था। रात तक दोस्तों के साथ घूमता था, सबसे खराब व्यवहार करता था, पर वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन राह चलते लड़कियों को बहुत छेड़ता था। राजू, तेरे नाम का कंप्लेंट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, सुधर जा। अरे सब झूठ बोल रहे हैं बाबा, मैं सब कुछ नहीं करता। बरसोई तूने पंडित की बेटी को छेड़ा था, वो घर में आकर कितना अपमानित करके गए मुझे। उस पंडित की इतनी हिम्मत, उसे तो आज सबक सिखाता हूं मैं। नहीं, तू और कुछ नहीं करेगा, हमारा नाम और खराब मत कर, तू सुधर क्यों नहीं जाता। अरे यार, अभी आप दोनों चालू मत हो जाओ, खाना भी नहीं खाने देते ठीक से। ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, सोचो बाहर क्या करता होगा ये। तभी राजू गुस्से से वहाँ से चला जाता है, अपने दोस्तों को लेकर पंडित के घर पहुँचता है। ए पंडित, तेरा इतना हिम्मत, तू मेरे घर जाता है? ऐसा मत करो तुम लोग, नहीं तो फिर से मेरे घर जाएगा। अबे शुक्र माना, तेरी बेटी को सिर्फ छेड़ा था समझा, उठाकर नहीं ले गया। ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो तेरी बेटी गई समझा। ऐसे ही डरा धमका के राजू मोहल्ले में दादागिरी करता था। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के पास गप्पे मार रहा था, तभी वहाँ से एक लड़की जा रही थी। अबे ये कौन है, इसे तो पहले नहीं देखा, इस इलाके में नहीं है। अरे यार जाने मन, कहाँ जा रही हो? अरे हमें पलट के तो देखो, कहो तो हम पहुँचा दें। नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अरे हमारे होते हुए अकेली कहाँ जाओगी, ऐसा कैसे होगा। भगवान के लिए ये सब मत करो, क्या मजा मिल जाता है इस सब से तुमको, सुधर क्यों नहीं जाते हो। अबे ये तो ज्ञान दे रही है बे, पकड़े क्या। रीनी डर के मारे दौड़ के भाग जाती है। राजू और उसके आवारा दोस्त हंसते रहते हैं। रीनी रिया की दोस्त थी, वो राजू को पहले से ही पहचानती थी। अगले दिन कॉलेज में रीनी रिया से बोलती है, कल रात तो मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? मैं ट्यूशन से वापस आ रही थी, रास्ते पर तेरे भाई और उसके आवारा दोस्त मुझे बहुत छेड़ रहे थे। सच में उनमें मेरे भाई भी था? हाँ रिया, वो लड़कियों को बिल्कुल मान नहीं देता है। मम्मी पापा तो बोल बोल कर थक गए हैं। रुक, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगी, तेरा भाई किसी का भी बात नहीं सुनता है, तेरा बात क्या सुनेगा। तू बस देखती जा मैं क्या करती हूँ, तू इसमें मेरा हेल्प करेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर सच में कुछ हो सकता है तो कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, किसी की कोई भी बातों का कुछ भी असर नहीं होता है राजू पर। फिर एक दिन रात को स्टेशन के पास राजू और उसके आवारा दोस्त खड़े थे, तभी वहां से दो लड़कियां जा रही थी। दोनों के मुंह में मास्क थे। राजू और उसके दोस्त उन दो लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। इतनी रात को कहां जा रही हो जाने मन, कहो तो हम छोड़ दें। अरे हम दो हमारे दो हो जाएंगे। बातें तो करो हमसे, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो। ठीक है, पीछा छोड़ देते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। ये बोलकर राजू रीनी की हाथ पकड़ लेती है। रिया छुड़ाने की कोशिश करती है तो राणा रिया की भी हाथ पकड़ लेता है। दोनों के चेहरे मास्क से ढके हुए थे, इसीलिए राजू अपनी बहन को भी पहचान नहीं पाया। तभी रिया रोते हुए अपनी मास्क खोलती है।
राजू हैरान हो जाता है अपनी बहन को वहां देखकर। अरे जानेमन रो क्यों रहे हो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है। उसका हाथ छोड़ रहा ना। क्यों, वो तेरा, ये मेरी? वो मेरी बहन है, हाथ छोड़ उसका। क्यों भैया, क्यों? मुझे देखकर शर्म आ रही है, ये राणा पर गुस्सा आ रहा है। आपको तो शर्म अपने आप पर आना चाहिए, आप हर रोज लड़कियों को छेड़ते हैं। सोचिए, वो भी किसी परिवार की लड़की होंगी, किसी की बहन होंगी, तब तो आपको शर्म नहीं आती है भैया, तब तो आपको गुस्सा नहीं आता है। आज दूसरी लड़की की जगह अपनी बहन को देखकर आपको शर्म आ रही है। मुझे माफ कर दो रिनी। रिया, तू भी मुझे माफ कर दे यार, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद राजू और उसके दोस्त सुधर गए थे। वो देर रात तक रस्ते में रहते थे, पर लड़कियों को छेड़ने के लिए नहीं, उन्हें सही सलामत घर पहुंचाने के लिए। राजू की इस परिवर्तन से घर में भी सब बहुत खुश थे और खुशी से रहने लगे थे।